कालिंदिया दुर्ग में मिली 10वीं शताब्दी की मूर्तियां सहेजने में जुटा पुरातत्व विभाग। बांदा जिले में ऐतिहासिक कालिंदिया दुर्ग के कोटी तीर्थ सरोवर की दीवार से ऐतिहासिक धरोहर मिली है। शिवलिंग, गणेश, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी समेत अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मलबे से निकली हैं। पुरातत्व विभाग मूर्तियों की सफाई कराकर इन्हें सहेजने में जुट गया है। सामाजिक संस्था कालिंदिया शोध संस्थान के निदेशक अरविंद छिरौलिया के अनुसार मूर्तियां और पत्थरों पर बनी कलाकृतियां 9वीं और 10वीं शताब्दी की हैं। कालिंदिया दुर्ग में कई छोटे बड़े सरोवर और तालाब हैं, उन्हीं में से एक कोटी तीर्थ सरोवर है। इस सरोवर के आसपास बड़ी बड़ी प्राचीन दीवारें हैं। हाल ही में तालाब की उत्तरी दिशा में पत्थर महल मस्जिद के तरफ की दीवार कमजोर होने के कारण ढह गई। दीवार कमल व कोटी तीर्थ सरोवर में गिर गया। दुर्ग की देखरेख करने वाले पुरातत्व विभाग के अफसरों ने मलबा हटाना शुरू किया। इस दौरान इसमें प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां निकल आई। कुछ पत्थरों पर देवी देवताओं की नक्काशी है। इसमें भगवान विष्णु, गणेश, लक्ष्मी जी, पार्वती जी की प्रसन्न मुद्रा वाली भी मूर्तियां हैं। शिवलिंग को छोड़कर अधिकतर मूर्तियां खंडित हैं। मूर्तियों को मलबे से निकालकर एक्साइड पुरातत्व विभाग के कर्मी वहीं दीवार के किनारे रख रहे हैं। अभी नंबरिंग का कार्य नहीं हुआ है। कर्मियों का कहना है कि गोटी तालाब के पास राजा अमान सिंह का महल है। पहले निकली मूर्तियां उसी में रखी गई हैं, इन्हें भी उसी में रखा जाएगा। कालिंदिया दुर्ग के इतिहास के जानकार समाज सेवी विवेक शुक्ला ने बताया कि 1986 में दुर्ग तक जाने के लिए रोड बनाई जा रही थी, तब भी खुदाई के दौरान इसी तरह से मूर्तियां निकली थी। उन्हें पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर राजा मान सिंह महल में नंबर डालकर रखवा दिया था। दुर्ग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि तब 282 KF नंबर से 305 तक की मूर्तियां और तोप के गोले निकले थे, उनको पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया था। इसके अलावा 1960 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कालिंदिया दुर्ग को अपने संरक्षण में लिया था।